तो फ्रेंड्स ये देखिए इस बॉक्स की बात कर रहे थे जो उस बार खरीद के लेके आए थे। और ये जब बॉक्स नया खरीदा जाता है तो थोड़ा गंदगी भी होती है उसमें, लकड़ी का जो नया लकड़ी का जो खुशबू होता है वो होता है। थोड़ा सा पानी में इसको भिगो दिए थे, ठीक है, मतलब बारिश के पानी में रख दिए थे तो थोड़ा भीग गया था। फिर उसे सुखाए, सुखाने के बाद ये लेके आए। तो ये जो है कि मेरा दोस्त का है, वो भी कोन्योर लिया है, मुझसे ही लिया था, और उसका कोन्योर का बॉक्स है ये। और मैं बाद में खरीदूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि जो बॉक्स है उसमें फिर भी बॉक्स लगेगा, वो मार्केट से जाके शायद ख़रीदना पड़ेगा। ये बॉक्स का दरवाज़ा है, थोड़ा गीला है, गीला गीला लग रहा है बट ये सूख चुका है, मैं देख रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स इसको लगाते हैं केज में। और जो केज बनाया था 4 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट का, उसका जो है कि काटना पड़ेगा केज को। काटने के बाद उसको वहाँ पे सेट करेंगे इस बॉक्स का जो सामने का हिस्सा है केज के बाहर। तो चलिए फ्रेंड्स वो भी दिखा दीजिए, देखिए फ्रेंड्स चलिए। और यहाँ पर इसको ये जगह से काटना होता है, मैंने वॉइस ओवर से सेट कर दिया है। ये जो जगह है यहाँ से काटेंगे केज को और यहाँ पे घुसाएंगे। थोड़ा नाप भाप ले लीजिएगा, उसके बाद सेट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कि जाली को काट दिया है, और काटने के बाद ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। और थोड़ा सा देखिए जाली का पॉइंट वायर बाहर की तरफ है, बर्ड्स को ये चुभ सकता है, तो इसीलिए इसको ठीक ठाक करना पड़ेगा। और एक तरीके के मैं कटर लेके आया हूँ, ये देखिए इस कटर से जो है कि काटने से ये कुछ भी जो है कि पॉइंट बाहर की तरफ नहीं रहता है, ठीक है, थोड़ा सा रहता है, लेकिन वो फाइल से घिस देने से या फिर अगर मैं अगर इसे अच्छी तरह से इस कटर से काटूंगा तो वो भी चला जाता है, ठीक है। ये एक तरीके का कटर है, तो जबकि ये बर्ड्स का मतलब बाहर कुछ भी जाली रह जाए तो चलेगा, लेकिन अंदर की तरफ कुछ भी रहना नहीं चाहिए, जाली का कुछ भी वायर अंदर की तरफ बाहर की तरफ ऐसे भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, सब कुछ काटा हुआ रहना चाहिए, टिप टॉप नीट एंड क्लीन। तो इसीलिए मैंने सबको अच्छी तरह से काट दिया ताकि बर्ड्स को प्रॉब्लम ना हो। अभी ये बॉक्स है, इस बॉक्स को सेट करने के लिए हमको चाहिए कुछ कील। तो फ्रेंड्स ये कील को घुसाने के लिए, एक्चुअली ये कील नहीं है, कुछ तरीके का स्क्रू है, ठीक है, और ये स्क्रू जो हुक टाइप रहता है इसको घुसाने के लिए हमें एक कील चाहिए। उस कील से जो ये जो वुड है, ठीक है, लकड़ी का ये बॉक्स का ऊपर का तरफ, ये देखिए जहाँ पे होल है इसके ऊपर की तरफ थोड़ा सा गड्ढा टाइप करना होगा, जो आप ड्रिल मशीन से चाहे तो कर सकते हैं छोटा सा, या फिर थोड़ा सा कील से थोड़ा सा पॉइंट बना सकते हैं ताकि ये स्क्रू जो है स्क्रू को घुसा सके आसानी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा कील से थोड़ा गड्ढा कर रहे हैं, उसके बाद इसको घुसा के पैंच सिस्टम में घुमा देंगे, घुस जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम हो गया, मैं इसे बहुत बार घुमाने की कोशिश कर रहा था बट ये घुस नहीं रहा है अंदर। तो मैंने गलती की, जो गलती आप लोग ना करिएगा। ये जो मैंने हुक लेके आया हूँ ये हुक स्टील का है, तो ये स्टील का होने के साथ साथ ये कुछ चिकनाई जैसा है, मतलब ऑयली है इसका जो एक एक जो घाट है वो घाट ऑयली है। तो ये लकड़ी के साथ अटैच ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि ये उतना महंगा लकड़ी नहीं है, ये एक सस्ता वाला एक लकड़ी है जो बर्ड्स के नेस्ट बॉक्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये बार बार निकल आ रहा है बाहर, तो मुझे चेंज करना होगा शॉप में जाके इसको। तो फ्रेंड्स हम लोग शॉप पे गए, हार्डवेयर के शॉप पे, 10 से 15 मिनट लगा, बाइक पे गए थे। और दूसरा एक हुक लेके आए, ये लोहे का है और स्टेनलेस स्टील टाइप कुछ रंग किया गया है। तो इस हुक में अभी ये सेट हो चुका है। तो चलिए हम लोग ऐसे ही बर्ड्स को कोनियर के केज में, कोनियर को ऐसे ही रखे गए थे, सोचा था अभी सेट कर देंगे बट सेट नहीं कर पाए थे। तो ये गमछे से इसको हो जो भी होल बनाए थे वहाँ पे बंद करके गए थे, अभी होल को खोलेंगे, खोल रहे हैं देखिए, उसके बाद बॉक्स को सेट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये जो हुक है, इस हुक से इसको लगा देंगे ऐसे, देखिए लगा दिया है। और जो होल बनाया था जाली काट के उस पर सीधा सीधा ये जो मोका पॉइंट है ये बाहर से ऐसे लग जाएगा, ठीक है। और लगने के बाद अच्छे से सब देख लेना है आपको कि जो हुक आपने काटा है वो गोल करके उससे वो ये जाली से ये इसका हुक मतलब सेट होके बैठा है कि नहीं। और ये देखिए ये जो अभी खरीद के लेके आए हैं,
ये थोड़ा सस्ता वाला है, बट यही मिला है अभी। ये देखिए ऐसे खोलेंगे और ये अंदर का व्यू है कि आपका निज बास्केट के बॉक्स के अंदर का। और चलिए इसको बंद कर देते हैं, वरना कभी बर्ड्स बाहर आ सकता है। फ्रेंड्स, कॉनवेयर का ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स लगाने से पहले आप लोगों को कुछ काम करना होगा, मतलब बॉक्स लगाने के बाद। तो बॉक्स लगाने के बाद देखिए, ये जो बॉक्स है, ये जो साइड है, ये साइड से ना कभी कभार थोड़ा गैप होता है, या ऊपर नीचे, या बॉक्स कहीं वो जो हुक आपने लगाया है वो कभी टूट गया, खुल गया, नीचे गिर गया, क्योंकि बॉक्स उतना भारी होता है और बॉक्स का जो लकड़ी है उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है, इसलिए जो हुक आपने लगाया वो कभी कभार एकदम जंग, मतलब लकड़ी जो ख़राब हो जाता है ना, खड़ा होके ये खुल सकता है नीचे, ठीक है, गिर सकता है बॉक्स का वायर से। तो इसलिए आपको GI जो वायर है, ये वायर से भी बॉक्स को अच्छी तरह से बांध देना होगा, जकड़ देना होगा, ठीक है, ताकि ये खुल ना जाए। खुलेगा भी तो वायर के सहायता से ही ये लगा रहेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, GI वायर को लगाने के बाद GI वायर को थोड़ा सा खींच दीजिएगा, ताकि ये मतलब GI वायर जो भी एकदम मतलब टाइट टाइट हो जाए, ठीक है, नहीं तो फिर खुल सकता है, इसलिए टाइट टाइट एकदम कर देना है GI वायर को। देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक करना, और जो भी जितना भी लोगों का मन में सवाल था कि बॉक्स को सेट करने कैसे करना है कोने में का बॉक्स को, तो ऐसे आप सेट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को।